नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 2 के बारे में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कड़क सी अनबॉक्सिंग के साथ रियलमी 2 की। तो ये ऑफिशियल बॉक्स है रियलमी 2 का, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मिलता है रियलमी 2 के लिए एक TPU कवर। ये सिलिकॉन कवर है जो कि समय के साथ आराम से पीला हो जाएगा। इसके अलावा आपको मिलता है रियलमी 2 स्मार्टफोन, जिसका एक काफ़ी बढ़िया सा डायमंड ब्लैक वाला लुक है पीछे। और इसके अलावा आपको एक चार्जर मिलता है जो कि 5V 2A का चार्जर है। माइक्रो USB केबल मिलती है अंदर। और आइए बिल्डर डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं इस फ़ोन की। तो हाथ में जो फील है इस फ़ोन की काफ़ी बढ़िया है। नॉच वाली डिस्प्ले है, 6.2 इंच की HD प्लस 720p प्लस डिस्प्ले है 19:9। सामने 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है 2.2 अपर्चर के साथ। सबसे नीचे 3.5mm जैक है, माइक्रो USB पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है इस फोन में। पीछे की तरफ रियलमी की ब्रांडिंग देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम रॉकर है। और इस फोन के अंदर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, और ये ड्यूल सिम ड्यूल वोल्टी सपोर्ट करता है। टॉप की तरफ पे कैमरा हल्का सा उठा हुआ है, और पीछे आप देखेंगे कि फिंगरप्रिंट सेंसर है और ड्यूल टोन LED फ्लैश है। पीछे और ध्यान से देखें तो 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है। और उसके अलावा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी प्लेसमेंट काफी बढ़िया है, काफी सही सा है, हाथ आराम से उस तक पहुंच जाता है। और इसके अलावा राइट हैंड साइड पे इस फोन के लिए जो पावर ऑफ बटन है वो है। स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 के साथ आता है, जो कि शायद से इस फोन का एकमात्र कहेंगे वीक पॉइंट है। 4GB रैम है हमारे वाले वेरिएंट पे, 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसमें से 52GB आपको फ्री मिलती है। यह फोन USB OTG सपोर्ट करता है। और सबसे बढ़िया बात इस फोन की ये है कि कम से कम इसमें सारे सेंसर्स तो दिए गए हैं जो कि आम दिनचर्या में इस्तेमाल होंगे। अगर बेंचमार्क स्कोर्स पे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ठीक ठाक स्कोर था 74,000 करीब AnTuTu बेंचमार्क में, और Geekbench में भी ठीक ठाक ही स्कोर था। इसके अलावा स्टोरेज की रीड राइट स्पीड भी सही थी, तो इन्होंने उसमें कोई ऐसी कमी नहीं करी है। आइए अब गेमिंग, FPS और हीटिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो इसमें रियलमी का एक गेम स्पेस करके है जो कि गेम्स को ऑप्टिमाइज करता है खेलते वक्त। पबजी को हम इस पे लो सेटिंग्स पे खेल पा रहे थे, एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, स्मूथ सा था, कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था लैग है, बट ओवरऑल काफ़ी हद तक प्लेएबल थी गेम। और हमने काफ़ी देर तक खेला और फिर ये पाया कि ये फ़ोन हीट बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ पे मैं गेम खेल रहा था वहाँ पे करीब करीब 36 डिग्री का एम्बियंट टेम्परेचर था, और फिर भी उतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा था। ये फ़ोन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर तक हीट हुआ। आइए अब इस फ़ोन के कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। यह फोन 2 कैमरा लेंसेज के साथ आता है। बैक पे 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन f2.2 और f2.4 और f2.2 अपर्चर वाला फ्रंट 8 मेगापिक्सल का कैमरा। ओवरऑल मैंने पाया कैमरा UI जो है वो ऑलमोस्ट सारे ओप्पो फोन्स जैसा है, और डे लाइट के अंदर कैमरा की क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। डायनामिक रेंज काफ़ी सही लगा, शार्पनेस काफ़ी सही लगी, पर केवल ये ऐसा हुआ डे लाइट के अंदर। पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी बढ़िया फोटोज़ लेता है, और जितनी भी फोटोज़ मैंने डे लाइट में ली उनमें काफ़ी बढ़िया कलर रिप्रोडक्शन था, वही ओप्पो वाले लेवल के कलर्स थे उसमें, और सारी जो फोटोज़ थी वो काफ़ी हद तक सही थी। पर जैसे ही थोड़ा लो लाइट में गए नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ गया फोटोज़ में, और वो फोटोज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगी मुझे। वीडियोज़ मैक्सिमम 1080p तक रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट और बैक दोनों कैमराज से, पर उनमें भी क्वालिटी उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं थी। आइए अब इस फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये कलर OS के साथ आता है जो कि एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे बेस्ड है। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस UI से, जो कि एक वन पेज स्टाइल UI है। ऐप ड्रॉअर वगैरह नहीं है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड पे एक AI बोर्ड करके जो कि आपको बढ़िया बढ़िया सजेशंस देता है, पर इसमें मेरे को कुछ खामियां भी लगी। प्रोजेक्ट ट्रिबल इस फोन में सपोर्टेड है, पर सीमलेस अपडेट सपोर्टेड नहीं है। पर इसके अलावा एक हॉट सिस्टम अपडेट वाला फीचर है, जिसका मतलब है कि फ़ोन को बिना रिस्टार्ट करे भी आप अपडेट कर सकते हैं फ़ोन को। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसको पूरी तरीके से हटाने के लिए आपको डिलीट वाला आइकन दबाना पड़ता है, और उसको पूरी तरह से लेफ्ट स्वाइप करने पे भी वो नहीं जाता है, और ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। अगर अब इस फोन के फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, एकदम 1 सेकंड से कम में खुल जाता है, तो काफ़ी फास्ट है। और इसके अलावा फेस अनलॉक भी इसका काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि रियलमी 1 में भी काफ़ी बढ़िया था। और कई लोगों को ये दिक्कत थी कि रियलमी 1 के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, तो वो चीज़ भी अब सुधार दी गई है। यह फोन 4230mAh बैटरी के साथ आता है, जो कि काफी गजब वाली बैटरी है। और अपने यूसेज के दौरान मैंने ये पाया कि ये बैटरी बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकती है, पर इस वजह से इस फोन की एक खामी है कि बाय डिफॉल्ट वाला जो चार्जर मिलता है 5V 2A का, वो काफी ज्यादा टाइम लगाता है इस फोन को चार्ज करने में। अगर आप अलग से कहीं थर्ड पार्टी क्विक चार्ज वाला चार्जर लेंगे तो शायद वो थोड़ा और तेजी से इसको चार्ज कर दे।
रियलमी 2 का भारतीय दाम जो है वह 10,000 रुपये से कम होने वाला है, और यह स्मार्टफोन 10,000 रुपये से कम की रेंज में पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि नॉच के साथ आता है। और ठीक ठाक मुझे लगा, नॉच वाला एक्सपीरियंस भी उतना कोई बेकार नहीं है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही गजब है। चिपसेट काफ़ी हद तक अंडर पावर्ड है, पर आपको याद रखना है कि किस बजट रेंज में निकलने वाला स्मार्टफोन है। हमने जो वेरियंट टेस्ट करा वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट था। कहीं ज़्यादा लैग्स और हिकअप्स नहीं महसूस हुए। फ़ोन के बॉक्स के अंदर आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं, ये एक कमी लगी। कहीं कई जगहों पे और कमी लगी, जैसे सॉफ्टवेयर के मामले कई जगहों पे कमी लगी। लो लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस उतना ज़बरदस्त नहीं है, पर आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आपको कितने कम बजट में एक ऐसा फ़ोन मिल रहा है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन कर रहा है और जिसमें आपको कई सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस सही मिल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।